पंडवा पलामू पंडवा प्रखंड अंतर्गत पंडवा युवा भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि झारखंड सरकार नई युवा पीढ़ी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ सृजनात्मक कार्यों से प्रदेश को कोसों दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड सरकार सांत्वना के अलावा कुछ नहीं दे रही। कई प्रकार के वायदे किए गए लेकिन इसको आज तक पूरा नहीं किया गया। अगर बात की जाए पारा शिक्षकों व स्वास्थ्य कर्मियों की तो इन्हें स्थायित्व करने की बात कही गई थी, पर आज तक ऐसा कोई भी वायदा पूरा नहीं हो सका। वर्तमान झारखंड सरकार अपेक्षादायक नहीं, से कोई मांग रखी झारखंड सरकार का जो कार्यकाल है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, झारखंड सरकार तो सबसे पहले जनता को छल करने का काम किया। हमारे रघुवर दास जी जो थे मुख्यमंत्री, पब्लिक के लिए 181 फोन किए हुए थे। अगर किसी तरह से अफसर लोग गड़बड़ करते या किसी तरह से कोई पब्लिक को दिक्कत परेशानी होती थी तो हमारे पब्लिक लोग जो है कि 181 पर तुरंत फ़ोन लगाते और लोग अफसर लोग काम भी करते थे, उस पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन सबसे पहले झारखंड सरकार 181 को बंद करके बहुत बड़ा गलती की है। और इस तरह से देखिए कि झारखंड में अभी तक ला 9 से 10 महीना हो गया झारखंड सरकार को बनने, लेकिन एक भी बहाली अभी तक नहीं हुई। बहाली तो बहाली छोड़िए, जहाँ तक जिन हमारे रघुवर दास जी जो नौकरी दिए हुए थे उन लोगों को छीनने का काम कर रहे हैं, जैसे सहायक पुलिस और सारे बहुत लोग हैं। अभी देखिए धरना दिए हुए सहायक पुलिस, किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। झारखंड सरकार हम सबको छल किए कि पारा टीचर को स्थायी कर देंगे और लोगों को स्वास्थ्य कर्मी को करेंगे स्थायी करेंगे, लेकिन झारखंड सरकार हर एक तरह से फेल दिखाई दे रही है। किसी तरह से नहीं, सिर्फ अपना कुर्सी को जमाए रखना चाहती है, इससे और कुछ नहीं होने वाला है हम लोग को जनता के हित में। तो ये सब जो समस्या बता रहे हैं, इन तरह के समस्याओं से निजात कैसे पाया जा सकता है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में नहीं बनेगी, इस सरकार से झारखंड की जनता को कल्याण होने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें जो है कि हर एक तरह से देखिए, सहायक पुलिस को हम लोग हमारे रघुवर दास जी नौकरी दिए, कम से कम जंगल से एक एक मतलब जंगली इलाका से नौकरी देने का काम किए। अभी तक ला जंगली इलाका से किसी तरह से कोई पूछा नहीं जाता था, लेकिन अभी देखिए हमारे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं पलामू से, लातेहार से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये तो सौतेला ही व्यवहार में है, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके झारखंड का जनता एक है तो आप पलामू के साथ लातेहार के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो क्या कहा जाए इनको।